HT BT कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये कॉटन की ही एक वैरायटी है, एक सीड है, बीज है कॉटन का, रुई का, जो कपास बोई जाती है खेतों में, ग्रो की जाती है फील्ड में, उसी की एक वैरायटी है HT BT कॉटन। एक तो सिंपल कॉटन होती है, उसकी वैरायटी होती है, एक है BT कॉटन और ये है HT BT कॉटन। इसमें HT का मतलब है हर्बिसाइड टोलरेंट। हर्बिसाइड क्या होता है? देखो, हर्बिसाइड होता है साइड जिसमें लगा हो, इसका मतलब है कि कहीं मरने की बात हो रही है। ये साइड जिस भी वर्ड में लगा हो, जैसे सुसाइड में लगा होता है ना साइड, सुसाइड, सुई का मतलब अपने आप, ऑन इट्स ओन, और साइड का मतलब हत्या। ऐसे इसमें साइड लगा है तो यहाँ भी कहीं हत्या की बात हो रही है, मर्डर की बात हो रही है। किसका मर्डर किया जा रहा है? इसमें वीड का मर्डर किया जा रहा है। वीड होती है जी, खरपतवार या घास वगैरह उग जाती है ना खेतों में, जैसे गेहूं उगाए किसी ने, वीट बोया, उसके साथ साथ घास भी होती है या खरपतवार होता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, तो उनको मारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, उनको घास वगैरह को ख़त्म करने के लिए केमिकल यूज करते हैं फार्मर्स, किसान, उसको बोलते हैं हर्बिसाइड। और ये जो वेराइटी बनाई गई है कॉटन की, ये है हर्बिसाइड टॉलरेंट NBT कॉटन। BT का यहाँ क्या मतलब है? BT का मतलब है एक बैक्टीरिया है, सॉइल का बैक्टीरिया, सॉइल में मिट्टी में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया जिसका नाम है BT, यानी कि फुल फॉर्म है बैसिलस, बैसिलस थुरिनजेसिस, थुरिन बैसिलस थुरिन थुरिन जियानसिस, या जेंसिस बोल सकते हो, बैसिलस थुरिनजेंसिस, TURINGIENSIS, बैसिलस थुरिनजेंसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। तो कॉटन के सीड में जो नॉर्मल बीज है कॉटन का, उसमें एक बैक्टीरिया डाल दिया, इसका जीन डाल दिया, एक नई वैरायटी बना दी कॉटन की। और ये BT कॉटन में एक नया और बैक्टीरिया डाल दिया, मतलब एक नया जीन डाल दिया, हर्बिसाइड टॉलरेंट का, मतलब ये कॉटन की वैरायटी ऐसी बना दी कि क्या है, जब हम खेत में हर्बिसाइड डालते हैं, तो ये खरपतवार जो होती है, वीड होती है, घास, उसको मारने के लिए डाला जाता है केमिकल, लेकिन ये साथ साथ कॉटन के जो पेड़ हैं, कपास के जो पेड़ हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो इनको कॉटन को नुकसान ना पहुंचाए, ये हर्बिसाइड जो होता है केमिकल, इसलिए ये वैरायटी बनाई गई है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये देखो जी, इलीगल कल्टीवेशन हो रही है हर्बिसाइड टॉलरेंट HT BT कॉटन की। देखो, इंडिया ने अभी अप्रूवल नहीं दी है इस सीड की, ये बीज हमारे इंडिया में उगाया जाए उसके लिए पहले गवर्नमेंट उसके लिए अप्रूवल देती है, सहमति देती है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सहमति देती है, अपनी अप्रूवल देती है, लेकिन अभी तक ये अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन उसके बावजूद ये इलीगली, अवैध तरीके से हमारे देश में ये कॉटन की वेराइटी उगाई जा रही है। अब ये देखा गया 2020 में लगभग 30 लाख कॉटन सीड बेचे गए, पैकेट बेचे गए, सीड के पैकेट, मतलब एक पैकेट एक खेत में यूज करने के लिए होता है, जैसे एक फील्ड है 1 एकड़ का, 1 एकड़ में 1 पैकेट सीड का यूज होता है कॉटन का, ऐसे 30 लाख पैकेट देखे गए 2020 में, और ये लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मोर देन डबल, 75 लाख सीड पैकेट देखे गए कॉटन के 2021 में, इलीगल तरीके से देखो ये उगाए जा रहे हैं, फार्मर उगा रहे हैं, तो इसलिए न्यूज़ में आया। अब पहले पढ़ेंगे ये BT कॉटन क्या है। हमने जैसा जाना, कॉटन में एक नया जीन डाल दिया BT का, सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरिनजेसिस, ये हो गया ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप, ये सिर्फ एक ओनली ट्रांसजेनिक क्रॉप है, मतलब एक क्रॉप की ऐसी वेराइटी है जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको परमिशन दी हुई है। देखो, ऊपर हम बात कर रहे थे HT BT कॉटन की, HT BT कॉटन एक नई वेराइटी है, HT BT कॉटन, इसकी गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दी है, लेकिन BT कॉटन की दे रखी है, और ये इकलौती क्रॉप है, इकलौता बीज है जो ट्रांसजेनिक क्रॉप है। ट्रांसजेनिक उसे बोलते हैं, नया जीन इसमें इंसर्ट कर दिया, ट्रांसजेनिक, या फिर बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब इसका जीन ही मॉडिफाइड कर दिया, चेंज कर दिया, मॉडिफाइड का मतलब चेंज, इसमें नया जीन डाल दिया। अब इससे फ़ायदा क्या क्या मिलता है वो देखेंगे हम, लेकिन कॉटन की वैरायटी में नया जीन इंसर्ट कर दिया, और जीन आप जानते हो सबकी बॉडी में जीन होते हैं, ऐसी बैक्टीरिया वायरस सब में जीन होते हैं, तो इन जीन को डाल दिया, और ये जीन डालने से क्या हो गया, इससे फ़ायदा ये हुआ कि कॉटन की जो वैरायटी थी पहले, उसे एक कॉमन पेस्ट था, ये बुलवॉर्म, बुलवॉर्म एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, बुलवॉर्म, ये कॉटन की वैरायटी को नुकसान पहुंचाता था। ये है बुलवॉर्म, देख सकते हो, ये आपका कॉटन, कॉटन है ये, जब फल फूल जाता है तो इससे रुई निकलती है, कॉटन निकलता है, और ये उसके ऊपर ये कीड़ा लग जाता है, ये वाला ये कीड़ा लग जाता है, और ये इसको नुकसान पहुंचा देता है, डैमेज कर देता है क्रॉप को, तो इस क्रॉप में ये कीड़ा ना लगे, इसलिए साइंटिस्ट ने ये वेराइटी डेवलप की, जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटी बोल लो या ट्रांसजेनिक क्रॉप बोल लो, BT कॉटन।
और हमारे कंट्री में इसको अप्रूवल दे चुके हैं, हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे चुके हैं, और इकलौती क्रॉप है, ओनली क्रॉप जो उगाई जाती है ये ट्रांसजेनिक क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यूपीएससी देखो पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखोगे, इससे 3-4 साल प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है, बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में, ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में, या फिर आपका एक बार मस्टर्ड के बारे में पूछा था, ये वैरायटी के बारे में। तो ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हम इसे। तो ये जो ये इंसेक्ट है नुकसान न पहुंचा पाए इसलिए वैरायटी डेवलप की, तो अब ये इंसेक्ट नहीं लगता है इसमें जब बीटी कॉटन उगाते हैं, ये वाला सीड डालते हैं खेत में उगाते हैं। तो अब ये HTBT क्या है इसे जानते हैं। HTBT देखो बीटी कॉटन तो वो था कि इंसेक्ट ना लगे, अब ये हर्बिसाइड टॉलरेंट का मतलब है, टॉलरेंट का मतलब होता है जो सहन कर सके, जो टॉलरेट कर सके, जो बियर कर सके। अब ये क्या बियर कर सके, जब भी हम मान लो वीड हो जाती है, घास हो जाती है खेतों में, देखो जैसे ये हो रही है यहाँ पे और इसके बीच बीच में घास दिखाई दे रही होगी, ये खरपतवार सा हो रहा है, वीड बोलते हैं इसे, घास बोलते हैं, ये कॉटन के साथ साथ क्या नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि जितने भी सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं ये घास है जो वीड है वो भी ले लेती है, और चाहिए कॉटन को भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, तो इसके लिए कम बचते हैं कॉटन के लिए। तो क्या होता है किसान फिर हर्बिसाइड डालते हैं, ये है ग्लाई फॉस्फेट हर्बिसाइड, ये हर्बिसाइड का नाम है, केमिकल ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड, मतलब ये क्या है जो वीड होती है घास होती है उसको मारने के काम आता है। तो जब इसे डालते हैं तो ये कॉटन के जो पेड़ है ना, कॉटन के ट्री है, प्लांट है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो कॉटन के ट्री को नुकसान ना पहुंचे हर्बिसाइड से, इसलिए एक वेराइटी डेवलप की HTBT कॉटन, मतलब ये साइंटिस्टों ने बनाई है कि ये वेराइटी केमिकल डाला जाए, सिर्फ घास को ही मारे, कॉटन की प्लांट को ना मारे। तो ये वैरायटी ऐसी है कि इससे ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड यूज किया जाएगा इसको कॉटन की वैरायटी ये टॉलरेट कर लेगी, इससे कुछ नहीं नुकसान नहीं होगा, सिर्फ घास खत्म हो जाएगी, और यही तो हम चाहते हैं कि घास खत्म हो, कॉटन की वैरायटी खत्म ना हो। तो इससे लेकिन नुकसान ये है, देखो इसको अप्रूवल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमारे इंडिया में उगाने की, और इससे नुकसान है कुछ, क्या नुकसान है, इससे नुकसान ये है कार्सोजेनिक इफेक्ट है इसके, जब भी ये केमिकल डाला जाता है घास को मारने के लिए तो ये हवा में मिल जाता है, और हवा में मिलने के साथ जो जैसे फार्मर भी डाल रहा है इसको, देखो ऐसे छिड़कते हैं इसे, ऐसी डिब्बी में डाल के, ऐसी होता है बॉक्स है उसमें डाल के ऐसे स्प्रे करते हैं, इसके स्प्रे करते हैं, छिड़कते हैं, तो इससे क्या होता है जो फार्मर होता है उसको कार्सोजेनिक इफेक्ट हो सकते हैं, और आसपास के लोगों को जो वहाँ पर रह रहे हैं फील्ड के पास, खेत के पास, कार्सोजेनिक इफेक्ट का मतलब है कैंसर हो सकता है। ये वायु के जरिए, हवा के जरिए, ऑक्सीजन के जरिए आपकी नाक के जरिए जाएगा आपकी बॉडी में, और इससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए इसको अप्रूवल नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और भी नुकसान होता है, जो भी मान लो नियर बाई प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, पॉलिनेशन के जरिए क्या होता है, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट बैठते हैं इस पे, बैठते हैं फिर उड़ के दूसरे पौधे पे बैठते हैं, तो यहाँ से हर्बिसाइड डाला होगा इस पे ये केमिकल, तो दूसरे पौधे पे भी पहुँचा देते हैं, तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है उस पे भी क्या है नुकसान होता है। पॉलिनेशन का मतलब ये समझ लो पौधे का जर्मिनेशन, मतलब पौधे का प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, तो उसमें भी नुकसान पहुँचाता है ये। अब नीड क्या है इस ऐसी वेराइटी की HTBT कॉटन की जो डेवलप की, साइंटिस्ट ने डेवलप ही क्यों की जब इसके इतने नुकसान है, इसलिए डेवलप की क्योंकि भाई साहब इससे फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या हैं, सेव कॉस्ट, ये कॉस्ट जो आती है कॉटन उगाने में, जो कीमत आती है किसानों की इनपुट कॉस्ट, उसको कम करेगा, सेव करेगा। अभी कैसे, जैसे वीड होती है, वीड होती है जो खेतों में क्या है खरपतवार हो जाता है, घास हो जाता है, उसके लिए लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, किसान क्या लेबर हायर करते हैं, लोगों को बोलते हैं भाई साहब हमारे खेत में से घास उखाड़ दो, तो कम से कम 2 बार घास उखाड़ने की ज़रूरत होती है, एटलीस्ट 2 राउंड होते हैं वीडिंग वीडिंग के। तो बीटी कॉटन जो ये वेराइटी है इससे क्या है, ये HTBT कॉटन की वेराइटी होगी, घास उगेगी नहीं, मतलब घास उगेगी भी तो इस पर कोई नुकसान नहीं पड़ेगा कॉटन पे, जो कॉटन का प्लांट है, तो इससे क्या जो लेबर कॉस्ट आती है वो कम होगी, लगभग पर एकड़ किसान का एक खेत में जो होता है पर एकड़, एक एकड़ में लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये की बचत होगी जो लेबर को दे देता है घास उखड़वाने के लिए। तो ये फ़ायदा होगा HTBT कॉटन अगर खेत में किसान उगाएंगे। दूसरा एक ये फ़ायदा है, साइंटिस्ट हैं जो वैज्ञानिक वो भी सपोर्ट करते हैं इसका, वो कहते हैं देखो ये इसके फेवर में है साइंटिस्ट, और WHO है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कह चुकी है कि इससे भाई साहब कोई कैंसर नहीं होगा, इससे लोगों को कैंसर नहीं होगा, WHO जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है वो भी कह चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिए इसे अभी तक, हमारी जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने HTBT को नहीं दिए। कुछ इशू हैं, क्या इशू हैं, इशू यही है कि इस पर अभी फील्ड ट्रायल नहीं किए, किसी भी कॉटन की वेराइटी हो या किसी क्रॉप की फसल की वेराइटी हो, यहाँ पे पहले फील्ड ट्रायल करके देखती है एक एजेंसी, उसका नाम है जियाक,
उसकी अभी क्या है फील्ड ट्राइक नहीं किए हैं, समझ गए, इसलिए अप्रूवल नहीं दिए। अब इससे लेकिन अप्रूवल नहीं दिए कॉटन की, एसटीबीटी कॉटन की अप्रूवल नहीं दिए, इससे कुछ इशू हो गए, प्रॉब्लम हो गई। ये कैसे इशू? इलीगल सेल की, कि अभी गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल नहीं दी है लेकिन अवैध तरीके से बेची जाने लगी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी, ये गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन कौन करती है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को। ये बॉडी है जियाक, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, एक बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मान लो एजेंसी है, ये पहले फील्ड ट्रायल करके देखती है, पहले खेतों में ये उगा के देखती है, अगर उसके कुछ नुकसान नहीं है तब ये रिकमेंडेशन देती है, सिफारिश करती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, वो फाइनल अप्रूवल देती है। तो इसने अभी अप्रूवल नहीं दिए लेकिन इंडियन मार्केट में ये अवैध तरीके से बेची जा रही है, तो फार्मर भी रिस्क पे हैं, फार्मर भी जोखिम है, कि भाई साहब मान लो कोई वेराइटी बोई जा रही है और उससे कोई नुकसान हो गया तो किसी, देखो ना तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई, और ना ही क्वालिटी ऑफ सीड की कोई अकाउंटेबिलिटी है कंपनी पे, जो कंपनी बेच रही है इसको इलीगल तरीके से तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दे ही नहीं रखी है। जब गवर्नमेंट अप्रूवल दे देगी सरकार, तभी तो कोई मान लो हर्जाना देगी कि किसान को कोई नुकसान होगा या कुछ इफेक्ट पड़ेगा तो इन्वायरमेंट पे को भी ये पोल्यूट करेगा नहीं करेगा, ऐसी कोई अभी देखो इस पर फील्ड ट्रायल हुई नहीं है तो अभी पूरी जानकारी है नहीं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी नहीं है इसको, तो गवर्नमेंट को भी इससे लॉस हो रहा है। गवर्नमेंट को कैसे लॉस हो रहा है? फार्मर को तो लॉस ऐसे हो रहा है कि मान लो कोई नुकसान हो गया, या जो एसटीबीटी की जो क्वालिटी है ये सही या नहीं सही है, कुछ अप्रूवल नहीं है गवर्नमेंट की, तो क्वालिटी ऑफ सीड को लेके भी कुछ परेशानी है फार्मर को, किसान को, और गवर्नमेंट को ये नुकसान है कि ये गवर्नमेंट क्या है, जो कंपनी अवैध तरीके से बेच रही है, तो गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है टैक्स कलेक्शन के थ्रू। कैसे? अगर मान लो इसे अप्रूवल दे देती गवर्नमेंट, अप्रूवल दे देती, सहमति देती, तो ये जो कंपनी बनाती है सीड, इनसे टैक्स भी तो लेती, लेकिन अभी ये अवैध तरीके से बेचनी है तो जो टैक्स आना चाहिए था वो टैक्स नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है, ये समाल कॉटन की जो सीड है उनको तो नुकसान पहुँचाती हैं, जो जैसे मान लो दूसरी कंपनी कॉटन का वेराइटी बेच रही है तो उनको तो नुकसान है ही उन कंपनी को, क्योंकि एचटीबीटी कॉटन किसान ज़्यादा खरीद रहा है और सेल भी बढ़ गई है, लगभग 75 लाख पैकेट खरीदे हैं 2021 में, तो ये छोटी कंपनियां जो बीज उगाती हैं उनके बीज को कोई खरीद नहीं रहा तो उनको भी नुकसान हो रहा है, और कॉटन की जो सीड मार्केट है लीगल उसको भी नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसे नुकसान हो रहा है इससे। अब ये जियाक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी क्या है। ये कमेटी बनाई गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके अंडर काम करती है ये कमेटी, एक कमेटी बनाई हुई है, इसके कुछ मेंबर होते हैं और एक चेयरमैन होता है। ये क्या करती है? ये अप्रेजल करती है, अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना, किसका? जो भी हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नुकसान पहुंचाने वाले जो भी मान लो जीव जंतु हैं उनके बारे में, ये एक्टिविटीज़ जो उनकी होती है उनके बारे में अप्रेजल करती है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिसर्च के लिए ये इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी क्रॉप का, तो ये सब कुछ फील्ड ट्रायल वगैरह यही सब कुछ करती है कमेटी। ये कमेटी जो भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मान लो कोई, मान लो ट्रांसजेनिक क्रॉप है या कोई ऑर्गेनिज्म है, किसी का जीन चेंज कर दिया, उसकी सारी फील्ड ट्रायल खेतों में पहले उगा के देखना, सारा यही करती है, उसके बाद ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को अपनी रिकमेंडेशन भेजती है। ये इसका चेयरमैन होते हैं स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, ये बोलते हैं जनरली आईएएस, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रमोशन होके आप बनोगे स्पेशल सेक्रेटरी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, तो आप जियाक के भी चेयरमैन बन सकते हो। तो इसके को चेयर भी होते हैं, कुछ को चेयर मतलब सहायक चेयरमैन भी होते हैं, वो होते हैं, और मेंबर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो भी इसमें मेंबर होते हैं इस कमेटी में। अब वे फॉरवर्ड, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये हो सकता है इसका कि देखो अभी रेगुलेटर ओनली लिमिट देयर चेकिंग रेगुलेशन टू लाइसेंस डीलर्स, अभी जैसे इन्वायरमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो ये क्या है, सिर्फ उन्हीं को लिमिट कर सकते हैं जो सीड कंपनी है और लाइसेंस डीलर हैं, जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, डीलर जो सीड बेचते हैं ऐसे कॉटन को, उनको ही रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको कैसे रेगुलेट करेगी जो एसटीबीटी कॉटन जो सीड है उनको इलीगल बेच रहे हैं, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से बेच रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू बेच रहे हैं, इनको कैसे करेगी? तो फोकस यही होना चाहिए कि फोकस इनको पकड़ने के लिए होना चाहिए, कैचिंग देम, जो इलीगल तरीके से बेच रहे हैं उनके लिए एक एग्जेम्पलरी एक्शन लेना चाहिए, मतलब एग्जाम्पलरी का मतलब है एक उदाहरण सेट करें, ऐसे लोगों को पकड़ के सजा दें ताकि और लोग ना करें, और स्ट्रॉन्ग प्यूनिटिव एक्शन लें, प्यूनिटिव का मतलब है सजा दें, पनिशमेंट दें इनको, दोनों को कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वर्क करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ताकि इससे इलीगल एक्टिविटी जो हो रही है, इलीगल तरीके से बीज बेचा जा रहा है उनको रोका जा सके।
और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होना चाहिए। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पे इस बीटी कॉटन है जो HT BT कॉटन, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन, असेसमेंट, अप्रेजल, क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखा जाना चाहिए। उसके बाद फार्मर्स को अगर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो अलाउ करना चाहिए, क्योंकि देखो फार्मर्स है या इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो तो असेस नहीं कर सकते लार्ज लेवल पे कि GM जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जैसे HT BT कॉटन है कि इनका इकोलॉजी पे और हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो भाई साहब गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना चाहिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को GIAC के थ्रू। तो इसे अगर नहीं इफेक्ट है तो लागू करना चाहिए, तो ये सॉल्यूशन हो सकता है इसका आगे। तो यही था इस लेक्चर में बस।